सोच के देखिए, कोई मर गया हो और मरने के बाद आपने उसके अंतिम संस्कार क्रियाकर्म की तैयारी भी कर ली हो, लेकिन क्या हो जब वही जिंदा होकर वापस आ जाए? क्या है ये पूरी अजब गजब की खबर, चलिए आपको बताते हैं। आप देख रहे हैं अजब गजब और मैं हूँ आपकी दोस्त मेघा। स्वागत है आपका, नमस्कार। कहते हैं जन्म से मरण तक इंसान का हर पल पहले से ही लिखा होता है। नियति है कि जिसने जन्म लिया है उसकी मौत भी होगी, और मौत के बाद वापस जिंदा होना स्वाभाविक ही नहीं है। लेकिन इसके बावजूद अक्सर सुनने को मिल जाता है कि किसी शख्स की मौत के कुछ घंटे बाद वो फिर से जिंदा हो गया। आपने भी ऐसा कभी ना कभी तो सुना ही होगा। लेकिन दोस्तों, हाल ही में ऐसा देखने को मिला है एक विकसित देश मेक्सिको सिटी में, जहाँ इलाज के दौरान डॉक्टर ने एक बच्ची को मृत घोषित कर दिया और अंतिम संस्कार की तैयारी भी हो गई। 3 साल की बच्ची को अंतिम संस्कार के बाद ताबूत में बंद भी कर दिया गया, लेकिन बच्ची फिर से जिंदा हो गई। ये घटना हाल ही में 17 अगस्त को मेक्सिको में हुई थी। बच्ची की मां ने स्थानीय हॉस्पिटल पर लापरवाही का आरोप लगाया है और मां ने कहा है कि डॉक्टर्स ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया था जबकि वो जिंदा थी। बच्ची को सिर्फ उल्टी हो रही थी, पेट में दर्द था, और इसी वजह से बच्ची की माँ उसे विलाडी रोमास में एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास ले गई। बच्ची की हालत को देखते हुए स्पेशलिस्ट ने उन्हें सामुदायिक हॉस्पिटल में ले जाने के लिए कहा। बच्ची का डिहाइड्रेशन और बुखार का इलाज कर दिया गया। इसके बाद बच्ची को घर ले जाने के लिए कह दिया गया, लेकिन इसके बाद ही आश्चर्यजनक तौर पर बच्ची की हालत फिर से बिगड़ती गई, जिसके बाद उसे दूसरे डॉक्टर के पास ले जाया गया, जहां दूसरी दवा दी गई और बच्ची को फल और पानी देने को कहा गया। हालांकि बच्ची की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ, जिसके बाद परिवार के लोग बच्ची को दोबारा से हॉस्पिटल ले गए और वहां पर जाके उसे IV ड्रिप लगाई गई, लेकिन ऑक्सीजन मिलने में जरा सा समय लग गया। कुछ देर बाद डॉक्टर ने बच्ची को देखा तो उन्होंने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। वहीं डॉक्टर्स ने बच्ची की मौत का आधिकारिक कारण डिहाइड्रेशन बताया। अगले दिन जब अंतिम संस्कार किया जा रहा था, तब बच्ची की मां ने ताबूत के कांच के ऊपर भाप जमी हुई देखी, और भाप तभी जमेगी जब आप किसी चीज के अंदर बंद हैं और आप मुंह से सांस छोड़ रहे हों, और सांस छोड़ने का मतलब है आप जिंदा हैं। बस इस चीज की जानकारी मां ने वहां पर मौजूद लोगों को दी, लेकिन किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं हुआ। लोगों ने कहा कि शायद मां सदमे में है, ऐसा इस वजह से उसे लग रहा होगा। लेकिन फिर भी लोगों ने सोचा कि चलो ताबूत खोल कर देखा जाए, और जैसे ही लोग ताबूत खोलने लगे, ताबूत ट्रांसपेरेंट होता है और उसमें से बच्ची की दादी ने देखा कि उसकी आंखों की पुतलियां हिल रही हैं। बस तभी आनन फानन में तुरंत ताबूत को खोला गया और परिवार वाले बच्ची को उठाकर तुरंत अस्पताल भागे। डॉक्टर ने उसका चेकअप किया, तब तक बच्ची दोबारा मौत की नींद सो चुकी थी और डॉक्टर ने उसे फिर से मृत घोषित कर दिया। यानी एक बार बच्ची मर कर जिंदा हुई और वो फिर मर गई। पहली गलती डॉक्टर्स की थी, जिसकी वजह से उन्हें लगा कि बच्ची मर गई है। अगर डॉक्टर्स तभी ध्यान से बच्ची का इलाज कर देते तो शायद वो बच्ची आज मरती ही नहीं। आपका इस घटना के बारे में क्या कहना है अजब गजब में, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।